बहुत मौत हुई है। हम उन परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए मैं स्वयं यहाँ पर आया हूँ। आज प्रातः ही मैंने इस संबंध में माननीय रेल मंत्री से बातचीत की है। प्रथम दृष्टया इस मामले में वैन के ड्राइवर की गलती सामने आ रही है, ईयरफोन लगा करके वैन चलाना। दूसरा, उसकी आयु को लेकर के भी तमाम बातें सामने आ रही हैं। गोरखपुर के कमिश्नर को इसकी जांच के आदेश दिए गए हैं और पहले से इस बारे में बहुत कठोर इंस्ट्रक्शन थे कि सुरक्षा के नियमों का पालन कड़ाई से कराया जाए। खासतौर पर जो स्कूली वाहन हैं, नाबालिग बच्चे उसमें चलते हैं, छोटे बच्चे उसमें जाते हैं, उसमें मानकों का पूरा ध्यान रखा जाए। किन परिस्थितियों में, किन कारणों से ये चीज़ें यहाँ पर फॉलो नहीं हो पाई हैं, इन सब मामलों की भी जांच के आदेश दिए गए हैं। चार बच्चे और एक ड्राइवर अभी घायल है, गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज उन्हें रेफर किया गया है। अभी मैं घटनास्थल पर जाकर के फिर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भी जाकर के वहाँ से देखूँगा। परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। लापरवाही और इस घटना के लिए जो भी जिम्मेदार होगा कठोरतम कार्रवाई सरकार करेगी। आगे से इस प्रकार की दुखद घटनाएं न घटित हों, इसके बारे में पुख्ता व्यवस्था भी रहेगी। और मैं भी जो मृतक बच्चे हैं उनके परिवार के सदस्यों से मैं मिला भी हूँ, उनके प्रति मैंने अपनी संवेदना भी व्यक्त की है। प्रदेश सरकार और रेल मंत्रालय भी उनको आर्थिक सहयोग भी करेगा, लेकिन इस घटना में जिसकी भी लापरवाही सामने आएगी सरकार कठोरतम कार्रवाई उसके खिलाफ करेगी।